हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजास्टर के बारे में और साथ ही में हम देखने वाले हैं कि डिजास्टर के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिजास्टर यानी कि होता क्या है। तो डिजास्टर यानी कि अचानक होने वाली घटना की जो एक्सीडेंट में कन्वर्ट होती है, और उस एक्सीडेंट के कारण जो है बहुत ज्यादा लाइफ को नुकसान होता है और साथ ही में प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है, उसे डिजास्टर कहते हैं। और डिजास्टर को कैलेमिटी भी कहा जाता है। कैलेमिटी यानी कि आपदा। अब डिजास्टर के एग्जांपल्स है जैसे कि अर्थक्वेक होना, एक्सप्लोजन होना या फिर साइक्लोन। तो ये जो है ये डिजास्टर के एग्जांपल्स है। चलिए बात करते हैं कि डिजास्टर के कितने टाइप्स है। तो मेनली डिजास्टर के जो है वो दो टाइप्स है। उसमें पहला आता है नेचुरल डिजास्टर, और ये जो डिजास्टर है ये होता है नेचुरल फैक्टर्स के कारण, इसलिए इसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स है अर्थक्वेक होना, फ्लूड होना यानी कि बाढ़ आ जाना या फिर साइक्लोन। तो ये जो है ये नेचुरल डिजास्टर के एग्जांपल्स है। और फिर दूसरा जो डिजास्टर का टाइप आता है वो होता है मैनमेड डिजास्टर। तो मैनमेड जो डिजास्टर है वो होता है ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से। एग्जांपल्स है जैसे कि वार्स होना, या फिर फायर एक्सीडेंट्स हो गया, या फिर एक्सप्लोजन हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल का एक्सीडेंट्स होना। तो ये जो है ये मैनमेड डिजास्टर के अंडर आते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि डिजास्टर यानी कि क्या होता है और उसके कितने टाइप्स है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।